हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं बालों से रिलेटेड जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बाल झड़ते क्यों हैं और हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद क्यों होते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे रेमेडी की कि अपनी इस समस्या को दूर कैसे करें। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, इस पहले पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जबसे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। सेकंड थिंग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, कंजूसी मत करना, हम वीडियो बनाते हैं, मेहनत लगती है, तो हमें भी थोड़ा सा रिवॉर्ड चाहिए, मिलना चाहिए। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद क्यों होते हैं और वो झड़ते क्यों हैं। आजकल की लाइफ में, भागदौड़ वाली जिंदगी में क्या हो गया है कि हमारे पास काम की टेंशन इतनी हो गई है कि हम अपने बालों की तरफ ख्याल ही नहीं कर पाते हैं, हम बालों की तरफ सोच ही नहीं पाते हैं, उनकी केयर नहीं कर पाते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हमारे एक तो तनाव की वजह से भी बाल जब समय से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, और जो सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर होता है मुझे लगता है वो है खानपान। हमारी खानपान की आदतें इतनी बिगड़ चुकी हैं जिससे कि क्या होता है कि हमारे बालों को पोषण नहीं मिल पाता है प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों, बालों को प्रॉपर तरीके से पोषण मिल जाए और उनकी अच्छी तरीके से केयर हो जाए तो हमारे बाल कभी भी झड़ेंगे नहीं और कभी भी समय से पहले सफ़ेद नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये तो कुछ हमारे थोड़े कारण थे जिसकी वजह से हमारे बालों की समस्या हमें पैदा हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसकी रेमेडी की कि अब जब ये प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉल्व कैसे किया जाए। अगर आपके बाल ऑलरेडी झड़ चुके हैं तो उनको कैसे उगाया जाए, या अगर आपके बाल सफ़ेद भी हो गए हैं तो उनको कैसे काला किया जाए। दोस्तों, इस रेमेडी के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे तो वो ये होगी कि अगर हमारे बालों की जो स्कैल्प होते हैं, जो अगर वो जड़ें होती हैं, वो मजबूत हो जाएं और उनको प्रॉपर पोषण मिलने लग जाए तो गंजे सर पे भी बाल उग सकते हैं और दूसरा सफ़ेद बाल हो गए हैं वो काले भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस रेमेडी के अंदर हमारे जो सबसे पहले इन्ग्रीडियंट है वो है प्याज का रस। हमने प्याज के रस को पहले से ही निकाल के रखा हुआ है बाउल के अंदर, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। प्याज के रस के अंदर आपने पहले भी कभी वीडियो शायद देखे होंगे कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अभी, क्योंकि आप ये हमें सोचिएगा कि सिर्फ प्याज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर हमें दो तीन इंग्रेडिएंट और मिलाएंगे इसके अंदर तभी ये संपूर्ण रेमेडी बन पाएगी। तो प्याज की प्रॉपर्टीज हम बता देते हैं आपको कि प्याज क्या होता है कि हमारे गंजे बालों के लिए, चलो सर गंजे बाल हो गए हैं उसके लिए, और जो बाल हमारे सफ़ेद हो चुके हैं उसके लिए ना ये रामबाण का काम करती है प्याज। और जिन माता बहनों को या भाइयों को डैंड्रफ भी हो गया है तो उसके लिए भी ये रामबाण की तरह काम करती है प्याज का रस। दोस्तों, इसके बाद में हमें प्याज का रस, हमने प्रॉपर्टीज़ की बताई हैं कि बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा हमें इसके अंदर क्या मिलाना है, हमें इसके अंदर कोई भी आप जो ऑयल यूज़ करते हैं हमें वो मिलाना है। मेरे पास इस समय पतंजलि का नारियल तेल उपलब्ध है तो मैं इसकी एक चम्मच इसके अंदर मिला दूंगा। एक चम्मच मैंने नारियल तेल ले लिया है और इसके अंदर मैंने मिला दिया है। उसके बाद में मुझे क्या करना है, उसके बाद में मुझे ऑलिव ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल जो बेबी ऑयल होता है वो लेना है मुझे। उसकी ये क्या करना है, इसकी आधी चम्मच मिलानी है, क्योंकि इसको मैं क्यों मिला रहा हूँ, इसके अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अंदर विटामिन्स और पोषण भरपूर मात्रा में होता है जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, रेमेडी काम करती है, और इसके इस्तेमाल से हमारे बालों में काफ़ी ग्रोथ करने में सहायता मिलती है। तो मैं इसकी आधी चम्मच इसके अंदर मिला दूंगा, ऑलिव ऑयल की मैंने आधी चम्मच ली है, आधी चम्मच मैंने इसके अंदर मिला दी। ऑलिव ऑयल की और भी एक खासियत होती है कि ये ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। बेबी ऑयल है, इससे क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, जल्दी जल्दी हमारी ग्रोथ होने लग जाती है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो चाहे वो हमारे बालों से रिलेटेड हो। तो हमने इसमें अंदर ऑलिव ऑयल मिला दिया है। अब इसके अंदर हमें आखिरी में जो मिलाना है वो मिलाना है नींबू का रस। दोस्तों, नींबू का रस हम क्यों मिलाना चाह रहे हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे सर पे जो स्कैल्प होते हैं उनमें क्या होती है, गंदगी भर जाती है। हम डेली अपने सिर पे बाल ऑयल यूज़ करते हैं और डस्ट वगैरह की लगने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे मैल जमा हो जाती है। तो उस मैल को हटाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी वो स्कैल्प हमारे स्वस्थ बन पाएंगे, मजबूत बन पाएंगे। तो हमें क्या करना है, नींबू के हमने आधा पीस ले लिया है, इसको हमें इस चम्मच में स्क्वीज़ करना है, यानी कि एक चम्मच करीब रस निकालना है इसका,
मैंने एक चम्मच रस निकाल लिया है, आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद में मुझे ये एक चम्मच नींबू का रस मुझे इसके अंदर मिला देना है। और दोस्तों आपकी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों आपकी रेमेडी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इस वीडियो के तीसरे भाग के बारे में बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसको अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। जिस तरीके से आप अपने बालों में शैम्पू लगाते हैं और शैम्पू लगाने के बाद में कुछ मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसी तरीके से इसको अप्लाई करना है। इसको आप अपने बालों की जड़ों में ज़्यादा लगाइए और बालों में जड़ों में लगा के हल्के हल्के हाथों पोटों की सहायता से इनसे मसाज कीजिए। 4 से 5 मिनट तक मसाज कीजिए, जिससे कि इसके जो पोषक तत्व हैं आपकी जड़ों में समा जाएँ, आपके जो स्कैल्प हैं वो साफ हो जाएँ, उनकी सफाई हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस पेस्ट को करीब 15 से 20 मिनट तक लगा के छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट तक लगा के छोड़ देंगे तो क्या होगा कि आपके बालों को प्रॉपर तरीके से पोषण मिल जाएगा। जो इसके अंतर तत्व हमने मिलाए थे, इंग्रेडिएंट मिलाए थे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे बालों में समा जाएंगी तो हमारे बाल मजबूत और घने लंबे हो जाएंगे। दोस्तों जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं उनके भी बाल काले होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत हो चुकी होंगी और आपके जो स्कैल्प हैं वो मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनको पोषण अच्छी तरीके से मिलने लग जाएगा बालों की जड़ों को, तो आपके बाल भी द्वारा से लहलाने लग जाएंगे। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इतना वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटा बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। इसी तरीके के एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।